Assalamualaikum. I just watched Maulajat and it was amazing and we loved every bit of it. Everybody acted really well and the video quality was just beyond amazing. Thank you. अब बड़ी चंगी लगी मूवी मौला जाट बड़े अरसे बाद एक एड्डी सोहनी फिल्म तकी है और मैनू तो बड़ी खुशी है कि पंजाबी जबान की इस फिल्म ने पूरी दुनिया धूम पाई है और वाकईतन एक एक डायलाग एक एक सीन बहुत ही सोहना फिल्माया गया और किरदारा ने बहुत इंसाफ किया है। तो मैं बिलाल लशारी नू बड़ी मुबारकबाद पेश कर रही हूँ तो दुआ कर रही हूँ कि आइंदा भी इहो जिहियां फिल्मां बनाण। मेरे ख्याल है कि सारे ही एक्टर जिन्हों का थोड़ा जिहा रोल सी ना उन्होंने भी भरपूर एक्टिंग की है और ये जाहिर है प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है वो कि उन्हें किस तरह काम लिया है। तो फवाद खान ने और मायरा ने बाकी भी नूरी नाथ जड़े बने से अब्बासी साहब सब ने बहुत सोहना काम किया है माशाल्लाह दिल खुश हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। इट वाज अ वंडरफुल मूवी बाय पाकिस्तानी एक्टर्स फवाद खान माहिरा खान एंड बिलाल लशारी की रिटन मूवी है एंड इट वाज अ वंडरफुल एंड ग्रेट ट्रीट टू वॉच क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स ने इतना वंडरफुल इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है और पंजाबी में ये बहुत खूबसूरत मूवी बनाई गई है। पंजाबी की जबान को जिंदा किया गया है और माहिरा ने एक एक्टर में उन्हें जान भर दिया है और फवाद खान की एक्टिंग वॉज रियली वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड इट इज अ ट्रीट टू वॉच एंड यू शुड एंजॉय एंड कम टू सिनेमा टू वॉच दिस ऑल दिस मूवीज। इट इज अ वंडरफुल मूवी टू वॉच। फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़ा आया जितना अच्छा सोचा था उतनी अच्छी उससे बेहतर। आर्टिस्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। सबसे एंटरटेनिंग सीन्स शायद मुझे नूरी नाथ के लगे हमजा के बट हमजा और फवाद दोनों बहुत ज़बरदस्त थे। फारिश शफी बहुत अच्छा था गौहर बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि ज़रूर आके देखें मौला जट और दो दो बार देखें। अस्सलाम वालेकुम। अभी मूवी देखी हम निकले हैं मौला जट और काफ़ी अच्छी मूवी थी। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की कोई इस तरह का सिनेमा में देखने को मिला है जिसमें फुल ऑफ एक्शन और ड्रामा और सबसे अच्छी एक्टिंग मेरे ख्याल से हमजा अली अब्बासी की थी इन सब में से। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि विलन भी जो है वो इक्वली गुड है एज़ कम्पेयर टू द मेन एक्टर। सो मेरा ख्याल है सबको आना चाहिए और पाकिस्तान के सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। मूवी बहुत ज़बरदस्त थी जी। जिस तरह से मुझसे और भी लोग पूछ रहे थे कि मूवी कैसी थी, मैं ये कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी मूवी से, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसी मूवीज़ बनती हैं उसके मुकाबले में ये मूवी कैसी थी, मैं कहूँगा आप इसको पाकिस्तानी मूवी से कंपेयर ना करें, आप इसको इंडियन मूवी से भी कंपेयर ना करें। जो प्रोडक्शन इस मूवी की है, जो एडिटिंग इस मूवी की, इवन पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर लें, कलर ग्रेडिंग, इवन दी एक्टिंग ऑब्वियसली, खास तौर पे नूरी नाथ हमजा अली अब्बासी क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फवाद ने तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया ही है मगर वो लोग भी जिनसे आप इतना शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जैसे फारिश शफी अमेजिंग। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आउटस्टैंडिंग मूवी। ठीक है। सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे हमजा की लगी, हमजा अली अब्बासी की। उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और डायरेक्शन क्योंकि बिलाल लशारी की थी तो वो बहुत अच्छी थी। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी फिल्म की, वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी आई हैव एवर सीन। बहुत अच्छी मूवी है। आई थिंक पीपल डोंट वांट टू मिस दिस मूवी, दे शुड। अच्छी मूवी है, इट्स अ गुड मूवी। इट्स द एक्शन सीन्स आर रियली नाइस, आई लाइक देम। मुझे उमायमा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी एंड बोथ द गाइज आर ब्रिलियंट, बोथ द गाइज आर ब्रिलियंट। इट्स वेरी नाइस मूवी एक्चुअली और हमजा अली अब्बासी वॉज फैंटेस्टिक और लाइक ही एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली एंड हुमैमा वॉज वेरी गुड एंड द लास्ट डायलॉग लाइक इट वॉज अ शो स्टॉपर। थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी है जी। आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल है किया है बिलाल लशारी साहब ने, एक अच्छी अटेम्प्ट की है। पहले उन्होंने वॉर जैसी फिल्म बनाई थी और अब उन्होंने ये फिल्म बनाई है तो हमने तो पंजाबी फिल्में खासकर तो मेरे क्रेडिट में तो मेरा ख्याल अब 500 फिल्म्स है, बहुत काम किया हमने तमाम सुपरस्टार्स के साथ। और कौन सी जी, बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने और आज के जदीद है और हमारे जितने भी अपकमिंग स्टार हैं फवाद खान हैं हमजा अब्बासी है और हमें ये थोड़ा सा आया कि जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे जैसे बाबर अली था, रेशम थे और दूसरे हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे उनसे कम काम लिया गया, वो सारे गेस्ट स्टारिंग है और ये जितना न्यू टैलेंट है फवाद खान और हमजा अब्बासी और इन सब से काम लिया है, अच्छा है,
बहुत अच्छा है, लोगों ने एक अच्छी इंटरटेनमेंट है, आज के जदीद सिनेमा ये जितने हमारे मल्टीप्लेक्स हैं इनके मुताबिक बहुत अच्छी फिल्म है, और अल्लाह करे कि ये अच्छा बिजनेस करे। और हमें इससे ये है कि हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री है, खसूसन लॉलीवुड है, मैं समझ गया हूँ उसका जो रिवाइवल है इस फिल्म से जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आए हैं इसको देखने आएंगे। उम्मीद है कि इसको सारा पाकिस्तान देखेगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेगा, और देखना भी चाहिए, ये एक अच्छी अटैम्प्ट है। हाँ जी, देखें, मैंने मूवी देखी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी मूवी है, मगर वो जो हमारी पहले मोरा जट थी उसका इसका मैं मुआवजा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका अपना एक मजाज था, वो टोटल पंजाब की बैकग्राउंड थी, और ये आज की जदीद टेक्निक पे इन्होंने अच्छा काम किया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और दोनों करेक्टर जो मोरा जट का और नूरी नाथ का था, दोनों ने अपने तौर पे बहुत अच्छे किरदार अदा किए हैं। और एक वो जो मुदा का करेक्टर था बीच में, एक्चुअली वो वैशी जट में था मुदा, तो इस फिल्म में उन्होंने रखा बहुत अच्छा, उस लड़के ने काम किया। बाकी जो रुन थी वो उन्होंने अपने अपने रोल में कोशिश की है,